नमस्कार साथियों, मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं IITN Academy सीकर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी मित्रों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं आपके सामने हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं और हिंदी विषय में जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला टॉपिक का हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, तो वर्णमाला के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और वर्णमाला पूरी किस प्रकार से कंप्लीट होती है और वर्णमाला से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनकी हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वर्ण की अगर मैं परिभाषा की बात करूँ, परिभाषा की यदि बातचीत की जाए, तो वर्ण की परिभाषा आप यूँ कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई इकाई जिसके जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते और अधिक खंड जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते या जिसे और अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, आप यूं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं। तो ये एक कॉमनली परिभाषा है, इसको जरा समझने का प्रयास करें। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसे और अधिक खंडों में हम विभाजित नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये उठती है कि वर्ण आखिर बना कैसे। तो भाषा के लिए किसी न किसी ध्वनि का प्रयोग होता है, अर्थात किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना एक बेईमानी होगी, गलत बात होगी। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ये बात ठीक है, लेकिन ध्वनि का लिखित रूप, भाषा में ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। अपन यो भी कह सकते हैं कि ध्वनि का लिपिबद्ध रूप, अगर किसी ध्वनि को हम लिपिबद्ध कर दें अर्थात लिख दें, किसी भी लिपि में लिखे जाए, तो उसे ही भाषा कहते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। अब सीधी सी बात हो गई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। अगर वो लिखित रूप नहीं है तो ध्वनि है, अगर उसको हमने लिपिबद्ध कर दिया है तो फिर उसे हम वर्ण कहेंगे। अब सभी वर्णों से मिलकर के और वर्णमाला बनी है, बहुत सारे वर्ण होते हैं, उन सभी को मिला करके और हम कहते हैं वर्णमाला। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे वर्ण के प्रकार। यहां पर यदि हम बात करें वर्ण के प्रकार, तो वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही कॉमन बात है, ये सभी बच्चे जानते होंगे कि वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब पहला प्रकार कौन सा है उसकी हम बात करते हैं। पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। व्यंजन, ध्यान दें कि सभी स्वर वर्ण ही हैं और सभी व्यंजन वर्ण ही हैं, दोनों को मिलाकर हम वर्ण कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है प्यारे दोस्तों? वर्ण है, ठीक है। अब हिंदी विषय की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 44 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीधा प्रश्न आएगा आपके सामने कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है या हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 44। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति तब बन जाती है जब वर्णों के प्रकार और वर्णों की संख्या पूछी जाती है। यदि आपके सामने प्रश्न दिया हो
पहली बात, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए तो आपका उत्तर क्या होगा, दो प्रकार के होते हैं। बात सही है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और इसी बात को यदि मैं थोड़े दूसरे ढंग से लिखूं तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि वर्ण कितने होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा माय डियर, 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 44 होते हैं जी। ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी परिभाषा, आपको समझ में आ गई होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते या जिसे और अधिक टुकड़ों में नहीं बांट सकते उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है, जबकि हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार स्वर और दूसरा प्रकार व्यंजन कहलाता है। यानी कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें आप स्वर कहते हैं और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें आप व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन और स्वर दो प्रकारों में बटे हुए हैं, जबकि वर्णों की संख्या 44 है, तो प्रश्न दोनों टाइप से बन जाएगा, आपका आंसर सही होना चाहिए। प्रश्न किसी भी तरीके से आपके सामने आए तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। प्रश्न किस प्रकार से दिया हो कि वर्णों की संख्या कितनी है, आपका उत्तर क्या होगा, 44 है। और यदि प्रश्न आपके सामने दिया हो कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होगा वर्ण दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है, ये स्पष्ट हो गया है सभी विद्यार्थियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम समझते हैं कि वर्णों में सबसे पहला जो प्रकार है हम पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्त वर्णमाला। और वर्णमाला का जो पहला प्रकार है उसकी यदि मैं बात करूं तो वो है स्वर। स्वर, अब हिंदी में स्वर किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। हिंदी में स्वर किसे कहा जाता है और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर को जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदी में स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं, 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। क्लियर है भाई, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इस बात को। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और अब यदि बात करूं कि स्वर किसे कहते हैं, तो परिभाषा की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसकी परिभाषा, स्वर की परिभाषा। तो स्वर की परिभाषा के लिए आपको कहना होगा कि कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या वर्णमाला की वह प्रकार भाषा की, मैं यहां पर वर्ण की स्वर की परिभाषा लिख रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना लेनी पड़े या फिर वे वर्ण, इसी को मैं दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, या वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी
एक मिनट, जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के निर्बाध रूप से किया जाता हो या स्वतंत्र रूप से किया जा सकता हो। अब जरा समझिएगा इस बात को। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। हिंदी में स्वर किसे कहते हैं इस बात को जानिए। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, यह सर्वविदित है। लेकिन भाषा की वह सबसे छोटी इकाई वर्ण तो है ही वो, लेकिन वर्णों में भी वह वर्ण या वह सबसे छोटी इकाई जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े या उस वर्ण को बोलते समय या उस वर्ण के उच्चारण के समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, उसे स्वतंत्र रूप से हम बोल सके, उसे स्वतंत्र रूप से हम उच्चारित कर सके, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं मित्र? स्वर कहते हैं। क्लियर है? ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बात भी बहुत प्यारी सी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम बात करते हैं अब जो स्वर है वो कितने प्रकार के हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम वर्णमाला और वर्णमाला में हम स्वरों की बात करते हैं। ये हमारा टॉपिक का नाम है आज का, और टॉपिक में हम वर्णमाला में जो वर्ण का पहला प्रकार है स्वर पढ़ रहे हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 स्वर जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर स्वर आप सभी जानते होंगे, सभी प्रिय विद्यार्थी जानते होंगे कि कौन कौन से स्वर होते हैं। देखिए कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में आकर के हमें आवश्यकता होती है इस चीज़ की कि हम बहुत बारीकी से पढ़ें। हालांकि हमें पढ़ाया पहले भी गया है, लेकिन हमारा ध्यान उस समय शायद इस बात को लेकर के नहीं था कि हमें कल को ये वापस पढ़ने पड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो जिसको हम आज बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो कल हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए फिर भी खैर कोई बात नहीं है, आज हम उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। देखिए जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं, मैं फिर भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। ए आ ई ई ऊ ऊ री। यहां पर री भी स्वर है माय डियर, री भी स्वर है। और री के बाद ए आई ओ औ। यहां तक ये सभी के सभी जो वर्ण मैंने लिखे हैं ये सभी के सभी क्या है प्यारे दोस्तों? ये स्वर है। अभी हमें काउंट कर लेना चाहिए कि हमने कहीं एक ज्यादा या कहीं एक कम तो नहीं लिख दिया है। क्या हम 11 स्वर की बात कर रहे हैं तो क्या हमने ये शर्त पूरी कर ली है कि 11 स्वर हमने लिख दिए हैं? तो काउंट कर लीजिएगा जरा, आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है? मेरे एरो की तरफ आप देख रहे होंगे पहले बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ये 11, ठीक है? तो 11 स्वर हमने लिख लिए हैं बहुत अच्छे से संजीदगी के साथ आपके सामने दिए हुए हैं। समझ गए होंगे 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। कोमलली अगर मैं सामान्यतः कहूँ तो पूरी की पूरी ए आ ई जो है आपकी वो सभी के सभी स्वर होते हैं। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और स्वरों में री को काउंट नहीं करते हैं। यदि बच्चों हम री को काउंट नहीं करेंगे तो या तो हमारे स्वर कितने हो जाएंगे, देखिए यदि आपके सामने एक दिया हुआ है कि हम स्वर कितने होते हैं तो हम री को काउंट नहीं करें तो या तो हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसको काउंट कर लेते हैं, अगर हम इसे भी काउंट कर लें, किस किस को काउंट कर लेते हैं हम? अंग और एह को,
ये दो वर्ण और जोड़ लेते हैं हम, तो इसके साथ अगर हम ये दोनों और काउंट कर लेंगे, ये दोनों और जोड़ लेंगे इसमें, तो या तो स्वरों की संख्या 10 होगी, इनको भी हटा दे और रि को भी हटा दे तो स्वरों की संख्या 10 होगी। अगर हम रि को हटा करके इन दोनों को जोड़ लें तो स्वरों की संख्या 12 हो गई, और अगर रि को भी रख लें और इन दोनों को भी जोड़ दें तो प्यारे दोस्त स्वरों की संख्या 13 हो गई, जबकि ना तो हमने कहा कि 12 होती है, ना हमने कहा कि 13 होती है, और ना हमने कहा कि 10 होती है, जबकि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी भाई, अच्छे से समझ लीजिएगा इस बात को। हमें री कंसीडर करना है, री को गिनना है, और अंग अह को हमें नहीं गिनना है, यानी अंग और अह जो है वो स्वर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंग और अह को हम स्वरों में नहीं गिनते हैं, तो इन्हें फिर कहां काउंट करें, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, उसकी भी हम बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं ये बात, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, और कहां रि का स्थान कहां है वो भी समझ लीजिएगा। ए आ ई उ रि, यहां पर रि कंसीडर होगा, यहां पर रि गिना जाएगा, रि ए आई ओ आओ, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, आगे की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। ना 10 होते हैं, ना 12 होते हैं, ना 13 होते हैं, स्वरों की संख्या तो 11 होती है। स्वरों की संख्या तो कितनी होती है, 11 होती है। अब स्वरों के भेद हम कर लेते हैं, स्वर किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गए। चलो इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करके बता देता हूं। मैंने परिभाषा बताई थी क्या, कि स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ये मैंने कहा था। तो आप इस बात को साबित करके दिखाइए सर। लो भैया साबित कर देते हैं, बोलिए अ ए, ए बोलते समय या ए का उच्चारण करते समय हमें क्या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, नहीं होती है ना, बताओ। ए तो ए में केवल ए ही मिला हुआ है, यानी ए ही है भैया, यहां पर और किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता हमें नहीं होती है। और मैं दूसरा वर्ण बोलता हूं आ, तो केवल एक ही ध्वनि निकलती है, आ ई ऊ ऊ री, सब में पूरे जितने भी स्वर हैं इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जबकि यदि मैं बात करूं व्यंजन की, यहां पर मैं छोटा सा डिफरेंस यहां तुलना करके दिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो व्यंजन में हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, जब उनका उच्चारण करते हैं तो हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने कहा क, क्या है क, तो क के उच्चारण में यानी हम बोलेंगे क, बोलिए आप खुद बोलिए एक बार क, अगर हम क बोलेंगे तो क के अंत में जब ये क हम उच्चारित कर रहे हैं तो क के उच्चारण में हमें अंत में किसकी ध्वनि आती हुई महसूस हो रही है, देखो क अ क अ हो रही है ना। तो आप कहेंगे कि क अकेला निर्बाध रूप से नहीं बोला जा सकता, निर्बाध रूप से उच्चारित नहीं हो सकता, स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। तो इसमें क्या होता है कि क के साथ में प्यारे दोस्तों ए मिला हुआ होता है, अर्थात स्वर मिले हुए होते हैं। व्यंजन का उच्चारण तभी संभव है जब उसमें स्वर मिल जाता है, स्वर के योग से ही व्यंजन बोले जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बोलो क, तो क में ए है, का बोलोगे तो का में आ है, ये सबको पता है कि मात्राओं के बिना कोई भी वर्ण पूरा नहीं होता, अधूरा होता है मात्राओं के बिना, और सभी स्वर क्या होते हैं, मात्राएं होती हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये मामला, आपके सामने क्लियर हो गया होगा भाई। क को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, जबकि ए को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, इसलिए ए तो स्वर है और क व्यंजन है, हालांकि दोनों स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए तो यहां से हम आगे बात करते हैं प्रिय मित्रों। देखिए अब हम बात कर लेते हैं स्वरों की, और स्वरों में क्या क्या और प्रश्न बनते हैं उनकी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका कंफ्यूजन दूर कर लेता हूं कि आपके सामने जो दो वर्ण दिए हुए होते हैं, आप जिनको वर्ण मान लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनकी बात कर लेता हूं। एक तो क्या है, अंग है, और एक क्या है, अह है, ठीक है।
ये दोनों के दोनों वर्ण आपके सामने आते हैं और इन वर्णों में मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार प्रिय मित्रों, यहां पर देखिएगा इन दोनों के दोनों वर्णों को क्या क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अयोग वाह वर्ण। क्या कहा जाता है दोस्तों? अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। ये ऐसे वर्ण हैं जिनको कहीं भी योगित नहीं किया जाता। मतलब ये है कि अ, देखिए इसका अर्थ समझिए थोड़ा सा, इस शब्द का अर्थ समझिए, अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ा हुआ, योग का मतलब जुड़ा हुआ या जोड़ना। तो ऐसे वर्ण हैं ये जिनको हम ना तो किस में जोड़ते हैं प्यारे दोस्तों, ना तो हम स्वर में जोड़ते हैं और ना ही हम किस में जोड़ते हैं, व्यंजन में जोड़ते हैं। ना तो हम स्वर में जोड़ते हैं और ना ही किस में जोड़ते हैं, व्यंजन में जोड़ते हैं। यदि हमने स्वर में जोड़ दिया होता तो 11 और 2 को जोड़ देंगे प्रिय दोस्तों, स्वरों की संख्या 13 हो जाती, जबकि ऐसा नहीं है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही है। और यदि हम इनको व्यंजन में कंसीडर करते हैं, व्यंजन में जोड़ते हैं, तो व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती डियर? व्यंजन की संख्या बचे हुए 33 की जगह 35 हो जाती, जबकि व्यंजन 35 ना होकर के कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 सही है और 35 गलत है, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई होगी। इनको क्या कहा जाता है, मैंने बता भी दिया है, अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसकी भी मैंने चर्चा की, ये इनको कहीं भी नहीं जोड़ा जाता है, ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में इनको जोड़ा जाता है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी प्यारे दोस्तों, अयोग वाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। आपके सामने प्रश्न कैसे आता है देखो, परीक्षाओं में आपके सामने प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इनसे संबंधित बहुत बार प्रश्न भी आ चुका है। तो मैं बता दूं आपको कि इस बात को आपको थोड़ा ढंग से समझ लेना है और अपने दिमाग में बिठा लेनी है इस चीज को कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं आपके यहाँ पर एग्जाम में अयोग वाह वर्णों से संबंधित। आ भी चुके हैं प्रश्न और आने की गुंजाइश भी है, ठीक है? तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर अयोग वाह वर्णों से संबंधित क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए पहला प्रश्न कैसे बन सकता है, अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, ठीक है? कितनी होती है, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, अयोग वाह वर्णों की संख्या 2 होती है। अब क्या कौन कौन से 2 हैं? तो आपके सामने एक तो अंग और एक अह, ये 2 अयोग वाह वर्ण हैं, ठीक है? अगर आपके सामने प्रश्न का प्रकार ये हो, प्रश्न का प्रकार ये हो आपके सामने प्रश्न, और प्रश्न ये दिया हो आपके सामने कि निम्न में से अयोग वाह वर्ण छांटिए, निम्न में से अयोग वाह वर्ण छांटिए, तो आपके सामने ए ऑप्शन होगा, मान लीजिए ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन में आपके सामने री दिया होगा, बे ऑप्शन होगा आपके सामने, और बे ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ होगा मेरे मित्रों, उसमें आपको कह दिया हुआ होगा, से ऑप्शन में आपको मान लीजिए दे दिया उसने आ दे दिया, आ दे दिया, और द ऑप्शन में मान लीजिए आपको क्या दे दिया उसने, अंग दे दिया, अंग दे दिया। तो आप क्या किस चक्कर में या किस भ्रम में हो जाते हैं बच्चे, जो जो नहीं पढ़ते हैं, जो जिन बच्चों ने अध्ययन किया है अच्छे से या कर रहे हैं अच्छे से, उनका कभी कंफ्यूजन में गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल भी संशय की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन जो बच्चे इस बात को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि यार ये बहुत समझने वाली चीज़ नहीं है, वर्णमाला बहुत नॉर्मल बात है, कगड़ा हम पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना, LKG UKG से पढ़ते आए हैं, तो वो बहुत हल्के में ले लेते हैं। और परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा होती है मित्रों, वहाँ पर लेवल कुछ अलग होता है, वहाँ पर स्तर थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पर प्रश्न पूछने की प्रकृति थोड़ी सी भिन्न होती है। तो आपको समझने की आवश्यकता है ये
अब अपन किस पे दिमाग लगाते हैं, बोला कह तो हमने खूब पढ़ा है, आ भी हमने खूब पढ़ा है, अंग भी हमने खूब पढ़ा है, अंग है हम मान लेते हैं अंग है, लेकिन हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, थोड़ा सा अलग क्या लगता है, हमें री लगता है। जिन बच्चों को अभी तक नहीं, जिन बच्चों ने अभी तक इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो वास्तव में इस चीज को यहां पर टिक करने की कोशिश करेंगे कि यार री 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 मतलब री को बहुत ज्यादा काम में तो हम लेते नहीं है, तो इसका मतलब री हो सकता है, हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सबका गलत होता है और आप सब गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से ही शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं तो वो कभी गलत नहीं करेंगे, और जिन बच्चों का गलत भी होता है वो क्लास देखें, जरूर देखें, तो वो आगे गलतियां करने से बच सकते हैं। तो यहां पर री नहीं होगा बेटा, यहां पर कै भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, ये तो सब के सब क्या है, वर्ण है। और अयोग जिनको नहीं काउंट किया जाता है वो कौन सा है, आपका अंग है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अंग। क्लियर है, ये सभी को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, अंग इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम बात कर लेते हैं, आगे वर्णमाला में हम बात कर लेते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, वर्णमाला की हम चर्चा कर रहे हैं और वर्णमाला में हम पढ़ रहे हैं स्वर, स्वर, और स्वरों की संख्या होती है 11, और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, ई, उ, उ, यहां पर री, ए, आई, ओ, आओ। क्लियर है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, तो ये क्लियर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखो, जो स्वर है वो स्वर भी कुछ प्रकारों में डिवाइड है, तो मैं बता दूं आपको कि स्वर के दो भेद होते हैं, स्वर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो पहला प्यारे बच्चों देखना, स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वरों में पहला प्रकार जो होता है उसका नाम है लघु स्वर, क्या लघु, इसको आप ऋष्व स्वर भी कहा कह सकते हैं, लघु ऋष्व, ठीक है, स्वर, आगे लिख देता हूं मैं स्वर। और जो दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार में दीर्घ या गुरु स्वर, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहां पर भी वही बात उठती है बेटा, देखना प्रश्न आपके सामने दिया हो कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर आपके सामने, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होगा दो प्रकार के। जबकि आपके सामने क्या दिया हो, दूसरी बात दी हो कि स्वर कितने होते हैं, ये बहुत ही आसान है, कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ठीक है, होते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, स्वर 11 होते हैं। अपन ने बहुत पहले ही चर्चा कर ली, स्वर 11 होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, लघु स्वर दीर्घ स्वर, लघु स्वर गुरु स्वर, ऋष्व स्वर और दीर्घ स्वर, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। लघु स्वर को एक नाम से और जानते हैं बेटा, लघु स्वर के लिए आप कह भी सकते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, ठीक है, लघु कह दो, मूल कह दो, ऋष्व कह दो, और ये जो मूल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की होगी और कैसे प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर, उस बात को आप जरूर ध्यान में रखें, उस बात को ध्यान में रखकर ही उत्तर का चयन करें,
तभी आपका प्रश्न सही होगा और तभी आपको अंक मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब जो लघु स्वर है, मूल स्वर है, उनकी संख्या कितनी होती है। मूल स्वर, ये प्रश्न बेटा पिछले एसआई में आया था, सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है या मूल स्वर कितने होते हैं। तो मैं यहां पर आपके सामने चर्चा कर रहा हूं बहुत अच्छे से, कोई गलती नहीं करे। मूल स्वर चार होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, चार। मूल स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं। अब वो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, आप इनको मूल स्वर कह दो, लघु स्वर कह दो, रेशम स्वर कह दो, बात एक ही है। तो ये चार कौन कौन से हैं वो आपके सामने मैं लिख रहा हूं। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्हीं 11 में से हमें कोई चार निकालने हैं। इन्हीं 11 में से कौन से 11 में से, जो आप ऊपर दिए हुए हैं, ए आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ, इनमें से ही हमें चार निकालने हैं। तो हम चार निकाल ले रहे हैं भैया। देखिए यहां पर एक आपके समझ में आ जाएगा अभी। पहला ए मूल स्वर है क्या, जी है। फिर अगला ई, ये भी मूल स्वर है क्या, हाँ ये भी मूल स्वर है। आगे ऊ, ये भी मूल स्वर है क्या, जी बिल्कुल है। और जिसको हम लगभग, जो बच्चे जिनको ज्ञान नहीं है वो स्वरों में काउंट ही नहीं करते, उन्हें बता देना चाहता हूं कि बेटा मूल स्वर है री, री स्वर ही नहीं, मूल स्वर है, ये जड़ है स्वरों की। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, एक दो तीन चार, ये कितने हो गए, चार। ये है मूल स्वर, इन्हीं को कहते हैं लघु स्वर, इन्हीं को कहते हैं ऋष्व स्वर। क्लियर है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको समझना कैसे इस बात को, ए ई ऊ री, जितने बच्चे देख रहे हैं या देख इस क्लास को देख रहे हैं उनको बता दूं कि ए ऊ ए ई ऊ री, माफी चाहूंगा, ए ई ऊ री, ये चार मूल स्वर हैं। अगर किसी को याद होता है ऐसे तो बहुत अच्छी बात है, ए ऊ ए ई ऊ री, ए ई ऊ री, ऐसे याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यहां पर आए और देखें कि पहला जो स्वर है उसको आपको लिखना है मूल स्वर में, ए बिल्कुल है, आ नहीं है, ई है, ई नहीं है, ऊ है और ऊ नहीं है, री है। जब हमारे पास में चार संख्या पूरी हो जाए तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। क्लियर है, सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये बात। ए ई ऊ री, यानी कि एक स्वर लिखना है, दूसरा छोड़ देना है, तीसरा लिखना है, चौथा छोड़ देना है, पांचवा लिखना है, छठा छोड़ देना है और सातवां लिखना है, उसके बाद में हमें नहीं लिखना है क्योंकि हमारे चार पूरे हो गए हैं। तो मूल स्वरों की संख्या चार हो गई। क्लियर है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों दीर्घ स्वर। कौन से स्वर, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, सात। ये कोई भी बच्चा बता देगा क्योंकि हमने दो प्रकार के वर्ण बताए, दो प्रकार के स्वर बताए और दो प्रकार के स्वरों में हमने बात करी थी कि पहला प्रकार जो है वो मूल स्वर कहलाता है, दूसरा प्रकार दीर्घ स्वर कहलाता है। मूल स्वरों की संख्या हमने चार डिसाइड कर दी है और चार डिसाइड करने के बाद में हमारे पास में जो सभी स्वर बच गए हैं उनको हम दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो कितने बच गए हैं बेटा, सात बच गए हैं। सात कौन कौन से बचे हैं, जरा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। आ बचा है हमारे पास में, ई बड़ा ई है ये, ऊ जिसको आप बड़ा बोलते हैं बेटा, और बाकी ए आई ओ और आओ, ये हमारे कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छः और सात, ये सब के सब क्या है, दीर्घ स्वर है। क्लियर है। तो मूल स्वरों की संख्या चार, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई ऊ री, दीर्घ स्वरों की संख्या सात, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई ऊ ए आई ओ औ। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, अगर आपको कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके उत्तर पूछ सकते हैं, या फिर कोई चीज छूट जाती है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, उस बात का समाधान ढूंढेंगे और आप तक उत्तर पहुँचाने की जरूर कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये मूल स्वर की बात हो गई, दीर्घ स्वर की बात हो गई, आगे हम बात करते हैं कि दीर्घ स्वर जो है
उनमें मुख्य दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और जो गौण दीर्घ स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्लाइड की तरफ। चलिए अब हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की, ये तो आपको हमेशा ही याद रखना है, वर्णमाला की बात कर रहे हैं। वर्णमाला में हम बात कर रहे हैं स्वरों की, स्वरों की, और स्वरों में हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर भी दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, दीर्घ स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार दीर्घ स्वर और दूसरा, दीर्घ स्वर में ही दूसरा प्रकार जो है वो है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर। अब यहां पर देखिएगा जो दीर्घ मुख्य दीर्घ स्वर है वो तो तीन ही है, आ है, ई है और ऊ है, ये तो तीन है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अगर पूछा जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपका उत्तर पहले सात होगा। अगर वहां पर सात नहीं दिया हुआ है तो आप वहां पर उत्तर तीन कर सकते हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो पहले देखते ही आपको सात करना है। अगर सात दिया है तो सात ही मान्य होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगर सात ऑप्शन में नहीं दिया है, विकल्प में सात नहीं दिया है, तो आप उसका उत्तर तीन चुन सकते हैं। ठीक है, अगर सात नहीं दिया है तो ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वर की संख्या होती है चार। कितनी होती है? चार। अब ये चार संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और आओ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर होते हैं। ये संयुक्त स्वर कौन कौन से स्वरों से मिलकर के बने हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है हमें, नाम से ही ज्ञान हो रहा है इस बात का कि संयुक्त, सम और युक्त दो पदों से मिलकर के ये शब्द बना है, सम धन युक्त। तो सम का मतलब भली प्रकार से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से जो युक्त हो गए हैं, जो जुड़ गए हैं और जिनके मिलन से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन किस में मिला हुआ है, तो ऐसे वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं, ऐसे स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर है ये बात? क्या कह रहा हूं मैं एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो मैं बात कह रहा हूं उसको बहुत ही गौर से सुनने की कोशिश करें। नाम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? भली प्रकार से दो स्वर मिले हुए हैं जिनको मिलने के बाद हम पता लगाने में असमर्थ हो रहे हैं, पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन किसमें मिला हुआ है। समझ रहे मेरी बात? तो ध्यान दीजिएगा, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी बताई है मैंने? सात बताई, चार बताई है, सॉरी। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? चार होते हैं। क्लियर है? अब संयुक्त स्वर चार हैं, ये किस किस से मिलकर बने होते हैं तो जरा मैं डिफाइन कर देता हूं। ए, ए किस किस से मिलकर बना है? ए और ई से, यानी ए और ई मिलेगा दोनों, ये दोनों मिलेंगे। देखो ये संयुक्त तो हो गया, ये मुख्य रूप से दीर्घ कहां हुआ बेटा? ये नहीं हुआ। एक तो इसमें कौन मिला हुआ है? लघु मिला हुआ है। एक इसमें कौन मिला हुआ? दीर्घ मिला, दोनों लघु लघु मिले हुए हैं, तो इसमें क्या बना है? ए बन गया। अगर मैं बात करूं आई की, तो आई किस किस से मिलकर बना है? आई बना है ए और ए से। ठीक है, अब देखिए यहां पर ओ किस से मिलकर बना है? ओ बना है ए। अच्छा, इसमें ए के साथ में आ भी आ जाए तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आ भी आ जाए तो मैं यहां पर भी आ लिख देता हूं, आ। और इसके साथ में ए या आ के साथ में कौन जुड़ गया? ओ जुड़ गया, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। बराबर क्या बनेगा? ओ बनेगा। अगर मैं बात करूं ओ की, तो ओ किस किस से मिलकर बना है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ए या आ के साथ कौन मिल जाए? ओ मिल जाए, तो क्या बनेगा? औ बनेगा माय डियर। ठीक है, तो ये चार स्वर ऐसे हैं, जो चार स्वर ऐसे हैं जिनका संयोग होने के बाद ही निर्माण हुआ है, जिनका दो वर्णों के या दो स्वरों के योग से जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे चार संयुक्त स्वर हैं। हिंदी में कितने संयुक्त स्वर हैं? चार संयुक्त स्वर हैं। क्लियर हो गई होगी प्यारे दोस्तों ये बात सभी को?
तो स्वरों पर यहां तक की बात एक बार आप जरूर समझ गए होंगे। आगे हम इसी क्लास को और कंटिन्यू करेंगे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो आने वाली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।